दोस्तों जो इन्होंने बनाया आदि पुरुष, अगर आज श्री राम भगवान और वाल्मीकि जी देखते इसको तो भी शर्म करते, हमने कौन सा कैरेक्टर लिखा और हमने कौन सा कैरेक्टर बनाया। दोस्तों ऐसा ऐसा ये लोग आदि पुरुष बना रहे हैं, नाम आदि पुरुष दे दिए, कैरेक्टर इतने महान आदमी का दिखा रहे हैं और काम किसी काम का नहीं किए। बॉलीवुड वालों को चले दोस्तों तो राम भगवान को AK-47 दे दें और रावण को कोई तोप या मिसाइल दे दें, लो प्रभु आप AK-47 चलाओ और रावण आप तोप चलाओ, दोनों लोग आपस में लड़ाई कर लो। फिर कुछ तो शर्म कर लो बॉलीवुड वालों, प्रभास जी कुछ तो शर्म करो, आप इतने बड़े एक्टर हो, कोई भी किरदार चुनते समय उसके बारे में डिटेल में पता कर लिया करो, कहीं पे एडिडास का गंजी पहन के घूम रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से भी आप राम भगवान हो। और हनुमान जी का जो किरदार निभा रहे हैं सबसे अलग ही है, सीता माता से मिलने के बाद ऐसे प्रणाम किए जाते हैं तो ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, बताओ कैसे कैसे अब लोग मूवी बना रहे हैं, क्या सोच के बना रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रावण को एडिडास का गंजी पहना दिए हैं, उसका पुष्प विमान की जगह चमगादड़ को बैठा दिए हैं, हनुमान जी कहीं से लग ही नहीं रहे कि हनुमान जी हैं, बस वही बॉलीवुड मूवी का कॉपी करके दोस्तों ये बना दिए हैं, बस इनको लग रहा है हम रामायण का रीमेक बना दिए हैं, कोई भी कैरेक्टर ओरिजिनल नहीं लग रहा है इसमें, सब ऐसे फेक लग रहे हैं, बस लग रहे हैं कहीं से पकड़ के जबरदस्ती आके एक्टिंग करा लिए गए। भले ही इतना पैसा खर्चा किए पर रामानंद सागर के रामायण को ये लोग नहीं पा पाएंगे दोस्तों। जो बात उसमें थी सभी किरदार आपको ओरिजिनल मिलेंगे, लेकिन इसमें कोई भी किरदार आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। रामानंद सागर जी के द्वारा बनाई गई रामायण के जो भी किरदार है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो उनकी आज भी पूजा होती है, ऐसा लगता है कि हम लोग साक्षात प्रभु के दर्शन किए, चाहे राम भगवान को ले ले, सीता माता को ले ले, हनुमान जी को ले ले, लक्ष्मण ले ले, रावण ले ले, किसी को भी ले ले, ऐसा लगता है कि एकदम ओरिजिनल दिखाया गया है और साक्षात दर्शन हो जाते हैं। पर दोस्तों अभी जो ये आदि पुरुष आई है इसमें उसको देखने में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि प्रभु श्री राम के ऊपर बनाई गई है, बस इसको देख के ऐसा लगता है कि किसी हॉलीवुड मूवी को देख रहे हैं, बस इंजॉय कर रहे हैं। इतना VFX यूज कर लिए हैं, रंग को पूरा काला दिखा दिए हैं, प्रभास जी ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहे हैं कि प्रभु श्री राम है, मतलब एक वही क्या बाहुबली कर लिए तो हम पूरा कर लेंगे कोई भी कैरेक्टर हमको मिल जाए, कुछ तो शर्म कर लो प्रभास भाई। तो बॉलीवुड वालों कुछ तो सोच समझ के बनाया करो, क्या बना रहे हो, पता नहीं कैसे कैसे बना देते हो, क्या सोच के बना रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है।